बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को राज्य सरकार ने जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। वर्तमान में सम्राट चौधरी को केंद्र सरकार के स्तर पर जेड श्रेणी जबकि विजय कुमार सिन्हा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अब बिहार की राजनीति में हुए उलटफेर के बाद सूबे में एनडीए की सरकार बनी है जिसमें भाजपा के कोटे से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। दोनों नेताओं को अब जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है और सम्राट चौधरी को केंद्र सरकार की ओर से अभी तक जेड स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। वहीं विजय सिन्हा को भी वाई सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन अब राज्य की सत्ता में जब दोनों को उप मुख्यमंत्री का पद थमाया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तर पर दोनों को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। बता दें कि वाई श्रेणी में संबंधित वीआईपी को एक या दो कमांडो, दो पीएसओ और अर्धसैनिक बल सहित 11 फोर्स की टीमें मिलती हैं। वही जेड प्लस श्रेणी को 22 जवानों की सुरक्षा मिलती है और इसमें 4-5 एनएसजी के विशेष कमांडो होते हैं। वही एक स्कॉट वाहन की सुरक्षा भी शामिल होती है। वही एनएसजी कमांडो टुकड़ी के अलावा जेड सुरक्षा में दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जवानों को भी शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि जब सूबे में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें भी पद संभालने के बाद जेड प्लस स्तर की सुरक्षा दी गई थी। इस श्रेणी की सिक्योरिटी वीवीआईपी को दी जाती है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी स्तर की सुरक्षा घेरे में रहते हैं। इसमें एक दर्जन से अधिक कमांडो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात होते हैं। ये कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए क्षमता रखते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।